नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सदीकी। सूबे में सियासी सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं, जहां किसानों ने महापंचायत के जरिए बीजेपी की सरकार को घेरा और उस पर खुद की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं किसान महापंचायत के बहाने बसपा सुप्रीमो मायावती भी बीजेपी पर बरसती नजर आई। लेकिन योगी सरकार से ज्यादा और कौन सी पार्टियों को मायावती ने लपेटा, देखे इस रिपोर्ट में। बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत के बहाने विरोधियों पर जमकर वार किया। मायावती ने ट्वीट के जरिए जहां बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं वो कांग्रेस और सपा को कहां छोड़ने वाली थी, सो उन्होंने सपा और कांग्रेस पर भी जोरदार निशाना साधा। मौका था यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत के बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी का, तो मायावती उससे कहां चूकने वाली थी। लगे हाथ उन्होंने महापंचायत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। अपने ट्वीट में मायावती ने कहा, किसान देश की शान है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए मंच से सांप्रदायिक सौंदर्य के लिए लगाए गए नारों से बीजेपी की नफरत से बोई हुई उनकी राजनीति जमीन खिसकती हुई दिखने लगी है, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस और सपा को भी नहीं छोड़ा। इस दौरान मायावती ने कहा कि मुजफ्फरनगर ने कांग्रेस और सपा के दंगायुक्त शासन की भी याद लोगों के मन में ताजा करती है। वहीं मायावती इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि इससे और एक कदम आगे बढ़ते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में सपा और कांग्रेस पर कड़े हमले करते हुए कहा कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में हुई किसानों की जबरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौंदर्य के लिए भी प्रयास अति सराहनीय है। इससे निश्चय ही सन 1913 में सपा कांग्रेस में हुए भीषण दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन ये बहुत लोगों को असहज भी करेगी, यानी सीधे तौर पर उनके निशाने पर सपा थी। वैसे भी मायावती जब भी सूबे की योगी सरकार को घेरती है तो सपा और कांग्रेस को घेरना कभी नहीं भूलती। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी के साथ साथ उनके निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि मायावती को शायद सपा से ज्यादा ही डर है, तो वो तभी सपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जहां तमाम सियासी दल सबसे ज्यादा योगी सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं मायावती और पार्टियों से कुछ हटके चल रही हैं। तभी तो उनका फोकस बीजेपी या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा सपा मुखिया अखिलेश यादव पर है, तभी तो वो उन्हें कहीं भी घेरने का मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।